हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। बिग बॉस ने आखिरकार गंदी वाली गेम खेली दी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। कल इनकी नज़र में वन साइडेड था, आज मेरी नज़र में वन साइडेड गेम है। हालांकि ये बंदा ये चीज़ें कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो देखना, मैं देखना चाहूंगी कि ये बंदा कर पाएगा, इसमें हिम्मत है इतनी। अविनाश की बात कर रही हूँ, जहां पर टेक ओवर में बिग बॉस ने पूछा कि आप एल्विश का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा है तो बताइए कि आप इसको कैप्टन बनाना चाहते हैं या नहीं। आज दूसरे ही दिन एक ट्विस्ट ले आया है बिग बॉस, और बिग बॉस ने बोला है अविनाश तुम्हारे लिए एक थाली में हम बहुत अच्छी चीज सजा के दे रहे हैं, तो तुम जो है उसको एक्चुअली में जीत लो, क्योंकि कल का परफॉर्मेंस जो है शायद बिग बॉस को अविनाश का बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बिग बॉस तो यही सब चीजें चाहते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट मिल गई, इन लोगों की जल गई, अनफेयर अनफेयर बोलते रहे। बिग बॉस ने अविनाश को बुला के एक सीक्रेट कार्य दे दिया, ट्रम्पेट विसल और बजर की आवाज में, जैसे ट्रम्पेट की आवाज आएगी तो एक एक्टिविटी करवाएंगे, विसल की आवाज आएगी एक एक्टिविटी करवाएंगे, बजर की आवाज आएगी तो एक एक्टिविटी करवाएंगे। कौन करवाएगा? एल्विश। ये कल का आप लोगों ने टास्क जो है वो देख लिया, जो कि आज आप लोग देखने वाले हैं एपिसोड में, तो कल के बारे में हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। अभी ये टास्क जो है फिर दोबारा से शुरू हुआ है। अविनाश को बोला है कि आप हर एक एक्टिविटी के बीच में जब गैप होगा तब उस वक्त आपको एक सीक्रेट कार्य करना होगा, जैसे कि एल्विश को जो है आपके आपको एल्विश की चेयर पे बैठ के 5 मिनट के लिए एल्विश की बुराई करनी है, वो एक एक्टिविटी के बाद करोगे, फिर दूसरी एक्टिविटी होगी, तब उसके बाद जो है आप जिया के हाथ से कोई स्पेशल खाना बना के जिया के हाथ से ही जो है एल्विश को खिलाओगे, और फिर उसके बाद जो है ये तीसरा जब एक्टिविटी होगा उसके बीच में आपको फलक से जो है एल्विश का हेड मसाज करवाना है, और हेड मसाज करवा के आपको उसकी तारीफ करवाती रहनी है। और ये तीनों जो सब चीजें जब एक एक जब सीक्रेट टास्क पूरा होगा तब कैमरा के पास आके बोलना कि सीक्रेट टास्क पूरा हो गया, एक्टिविटी एरिया का डोर खुलेगा, वहां पर अंदर प्लग है सब कंटेस्टेंट के, वो किसी भी अभिषेक का आप निकाल नहीं सकते क्योंकि अभिषेक ऑलरेडी कैप्टन नहीं बन सकते हैं। दूसरे लोगों का प्लग निकालना, रीजन देना है कि आप इनको कैप्टनसी रेस से कैसे बाहर निकालना चाहते हैं और क्यों बाहर निकालना चाहते हैं। लास्ट में जो 5 लोग बचेंगे वो जो है इस रेस में आगे जाएंगे और वो जो है दावेदार बनेंगे, उनमें से कोई जो है घर का कैप्टन बनेगा, ऐसा जो है बिग बॉस का कहना है। और बिग बॉस का ये भी कहना है कि आप अपना सीक्रेट टास्क कर रहे हैं ना तो किसी से भी आप बात कर सकते हैं। तो भाई ये क्या हुआ, सीक्रेट टास्क बंदा खुद करता ना तब मजा आता ना, जब कन्विंस करता जिया को कि तू कुछ बना, जिया तो वैसे भी काम चोर है, जिया कैसे उसको अपने हाथों से खिलाती तब भी पता चलता, फलक उसकी हेड मसाज क्यों करती, तारीफ क्यों करती, अब तो जाके वो बोल देगा कि हाँ भाई मैं कैप्टन बन सकता हूं, तुम में से कोई कैप्टन बन सकता, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। वन साइडेड ये सब चीजें जो है वो चल रही है। आके अविनाश ने इन लोगों को सब कुछ बोल दिया, इतना हेल्प बिग बॉस, इतना हेल्प। यहां पर एल्विश अच्छा कर रहा है, आके अच्छा कर रहा है, तो तुम्हें वो जो सोया हुआ था उसको जगाया है, और फिर भी जो है आप उसी का साइड ले रहे हो, लेते रहो कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना भाई साइड लेने के लिए, पूरी जनता बैठी है यहां पर फुकरा इंसान मनीषा और एल्विश का साथ लेने के लिए। आपका क्या कहना है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।